लेकिन सरकार ने यह कहते हुए कि सदनों में निश्चित संसदीय भाषाओं का प्रयोग न होने से शायद कटुता बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं, जिसके नाते हम सदन की अवधि कम कर रहे हैं। हमने ये सवाल भी किया कि मुख्यमंत्री जी, आप लगातार सदनों में सांप नेवला जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो विपक्ष से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के दृष्टि से उन्होंने बैठक आहूत की थी और उसमें हम लोग उपस्थित थे, जिसमें इस बात पर विशेष रूप से चिंता व्यक्त की गई विपक्ष की तरफ से कि सत्र का समय बहुत कम किया गया है, जिसके कारण जनता की जो समस्याएं हैं उस पर सार्थक बहस नहीं हो पाएगी। इस बात को हम लोगों ने प्रमुखता से रखने का काम किया। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कम समय में जनता की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को हम लेकर आ सकें, लेकिन सरकार स्वयं सभी मुद्दों पर जो उन्होंने संकल्प पत्र में वादा किया था, उन सारे मुद्दों पर, चाहे वो नौजवानों को रोजगार देने का मसला रहा हो, चाहे किसानों को उनके उत्पादन का वाजिब मूल्य देने का सवाल रहा हो, चाहे वो जो है विद्युत को पहुंचाने आपूर्ति की बात रही हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात रही हो, सभी मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। अरे अध्यादेश और बिल है, वो भी इस पे आने की संभावना है। कितने दिन तक सत्र चलेगा? सत्र का कार्यक्रम तो घोषित किया जा चुका है। विधानसभा में जितना बिजनेस होता है उसके हिसाब से सत्र चलाया जाता है और हमारे पास जो बिजनेस है उसके हिसाब से ये सत्र पर्याप्त है। अब विपक्ष की किसी बात का समर्थन अथवा उसकी किसी बात का खंडन मुझे नहीं करना चाहिए। एक पक्ष है, उसका एक विचार है, वो अपने विचार रखते हैं, लेकिन विपक्ष की माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपस में सभी दलों की सुंदर वार्ता हुई और जितना सत्र ये चलने वाला है उस सत्र पर वार्ता हुई है, उसका एजेंडा भी हम लोगों ने बना लिया।